अभी अभी हेमा मालिनी के परिवार को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। फिर से हेमा मालिनी और देओल परिवार सुर्खियों में आ गए। अभी अभी करण की शादी करके देओल परिवार चर्चा में बना ही था कि फिर से कुछ ऐसा हुआ कि हेमा मालिनी की चर्चाएं होने लगी हैं। दरअसल ईशा देओल का बयान सामने आते ही हर कोई हेमा मालिनी के बारे में सवाल कर रहा है। ईशा देओल ने कहा कि सनी भैया और बॉबी भाई को पहले से ही राखी बांधती आ रही है और इस बार भी राखी बांधने जाएंगी। मतलब साफ है कि अगर ईशा जाएंगी तो कुछ नया होगा, क्योंकि इस बार देओल परिवार में नया सदस्य दिशा आचार्य जो जुड़ गई हैं। इस मौके पर प्रकाश कौर भी ईशा से मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं देओल परिवार में फिर से हेमा मालिनी की बातें हो सकती हैं। और अगर ज्यादा फोकस हुआ तो हेमा मालिनी देओल परिवार में जा सकती हैं। जी हां, राखी के त्योहार का इंतजार किया जा रहा है। जब हेमा मालिनी अपने ससुराल जाएंगी तो ईशा के बहाने क्या देओल परिवार में मिलने जा सकती हैं। इस पर हर किसी की नजर बनी हुई। अगर ऐसा होता है तो देओल परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन होगा, धर्मेंद्र का सपना पूरा हो जाएगा। तो अभी अभी तो सनी देओल अपने बेटे की शादी निपटाकर घर में सांस ले ही रहे थे कि अब उनके लिए एक ऐसी बुरी खबर सामने आई है जिससे उनकी नींदें उड़ गई हैं। बेटे की शादी के साथ साथ सनी देओल गदर 2 को लेकर भी बिजी थे। 22 साल बाद गदर फिल्म का सेकंड वर्जन आ रहा है जिसमें वही सनी देओल हैं, वही अमीषा पटेल हैं। बेटे की शादी के बीच भी सनी देओल अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे। उन्हें यकीन है कि वो गदर की तरह गदर 2 को भी सुपरहिट साबित करके रहेंगे, लेकिन उनकी को स्टार अमीषा पटेल ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिल्म के रिलीजिंग के वक्त अमीषा पटेल ने फिल्म के डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म में काम करने वाले कई कलाकार को ना ही सैलरी दी गई, ना ही उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। इवन चंडीगढ़ जाने के लिए उन्हें किसी तरह की सवारी भी नहीं दी गई। सभी अपना भुगतान करके इस फिल्म में लगे हुए थे। अमीषा का ये बयान सामने आने के बाद लोग कहने लगे कि अमीषा करण जौहर की टीम में शामिल हो गई है। क्या वो इस फिल्म को फ्लॉप करवाना चाहती है? अगर ऐसा हुआ सनी पाजी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कम से कम सनी पाजी की मेहनत का तो ख्याल कर लेती। सनी अपने घर के हजारों कामों के बीच इस फिल्म में लगे रहे। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो सनी पाजी का क्या होगा? देओल परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका जन्म बहुत खास बताया जाता है, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सबके सनी पाजी हैं। जी हाँ, सनी देओल का जन्म इतना खास है कि धर्मेंद्र जी ने खुद बताया कि जब वो पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, बल्कि गांव की दाई ने उन्हें पैदा किया था। और उस वक्त गाँव के लोगों की भीड़ थी, हर कोई सनी पाजी के सिर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहा था। शायद उन दुआओं की वजह से सनी पाजी आज सुपरस्टार कामयाब एक्टर हैं जिन्हें हर कोई जान और हर कोई उनका दीवाना है। अब जब धर्मेंद्र ने सनी पाजी के जन्म की बात बताई तो उनके बेटे करण देओल भी इस बात को गौर से सुन रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं आपको बता दें, कमेंट्स में लोग बोलते दिखे कि सनी पाजी को अगर मौका मिले तो उन दाई माँ से एक बार जरूर मिलना चाहिए। हालांकि मुश्किल है कि दाई माँ अब हों, लेकिन उनके परिवार वालों से जरूर मिलना चाहिए। हेमा मालिनी भी कई बार बोल चुकी हैं कि सनी देओल उनके घर के बहुत अच्छे इंसान हैं जो अपने काम के साथ साथ परिवार का खास ख्याल रखते हैं। सनी देओल भले ही हेमा मालिनी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी उनकी इज्जत करते हैं। धर्मेंद्र कई दिनों से हेमा मालिनी को मनाने में लगे। आखिर धर्म जी ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि हेमा मालिनी उनसे बात करना तो छोड़िए देख भी नहीं रही है, देखना चाहती नहीं है। करण की शादी के बाद से ये सब हो रहा है। करण की शादी के बाद से हेमा जी बिल्कुल धर्म से बात नहीं कर रही है, जबकि धर्मेंद्र जी बार बार इंस्टा स्टोरी पर हेमा की वीडियो लगा रहे हैं, हेमा को मनाने के लिए उनके कुछ ऐसे पुराने सीन दिखा रहे हैं जिससे वो कुछ तो बोले, उनसे माफी भी मांगी। लेकिन हेमा मालिनी न जाने किस बात पर धर्म जी से नाराज बैठी हैं। धर्मेंद्र ने कल ईद के मौके पर अपनी और हेमा की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज ईद के मौके पर आजा गले लगा जा। लेकिन इस वीडियो पर भी हेमा का कोई जवाब नहीं आया। आखिर क्या चल रहा है हेमा के दिमाग में? करण की शादी में हेमा ने प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच ऐसा क्या देख लिया कि वो माफ करने को राजी ही नहीं हो रही है? 88 साल के धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों को बराबर प्यार दिया, दोनों परिवारों को जोड़े रखे हुए हैं, दोनों परिवार के बच्चों के कामों में भी शामिल होते हैं। और अब उनका मकसद है कि हेमा और प्रकाश को एक कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। लाख कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र करण की शादी में हेमा को प्रकाश के घर में नहीं ला पाए। उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि वो अगर चाहते तो हेमा और उनकी बेटियों को पास बैठा कर बातें करते, उन्हें समझाते, शायद कुछ बात बनती और हेमा शादी में जरूर जाती। लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। हेमा मालिनी को भी इस बात का दुख है कि धर्म जी अगर चाहते तो शायद कुछ बात आगे बढ़ती, लेकिन हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की गई। और अब ये बात हेमा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इसलिए वो धर्म जी से नाराज हैं।
तो फाइनली धर्म जी को अपने दूसरे परिवार की याद आ गई। वैसे तो सभी बच्चे और दोनों पत्नियां धर्मेंद्र जी के दिल में बसी हैं, लेकिन पोते की शादी से धर्मेंद्र जी अपने देओल परिवार को ज्यादा वक्त दे रहे हैं। नई बहू दृशा की रस्मों को भी इंजॉय कर रहे थे और धर्मेंद्र जी अपने घर यानी हेमा मालिनी के बंगले में वापस लौट आए। और खास मौके पर धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर ईशा आहना के बच्चों और दामादों के संग फोटो लगाई है। धर्मेंद्र जी बच्चों के संग केक काटते दिख रहे हैं। केक किस खुशी में काटा जा रहा है या फिर बच्चों का बर्थडे है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चला कि धर्मेंद्र जी हिबा के परिवार में इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए घर में आए तो हेमा जी ने उन्हें देखा तक नहीं। फोटो में दामाद और बच्चों के संग धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी की झलक भी नहीं दिखी। शायद अभी तक हेमा जी और धर्मेंद्र जी के बीच कुछ मन मुटाव चल रहा है, जिस वजह से हेमा जी ने धर्मेंद्र जी से बात तक नहीं की। धर्मेंद्र जी एक परिवार की शादी निपटाने के बाद दूसरे परिवार को मनाने में लगे हैं। उनकी भी खुशियों में शामिल हुए, लेकिन हेमा मालिनी उनके संग शामिल नहीं हुई। जी हाँ, कल धर्मेंद्र जी की नातिन का जन्मदिन था, जिसके लिए धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर फोटो भी लगाई, लेकिन हेमा मालिनी उनके संग नहीं दिखाई दी। फोटो में धर्म जी ईशा आहना के बच्चों के संग दामाद के संग केक काटते दिखाई दिए, लेकिन इसमें कहीं भी हेमा मालिनी नहीं दिखाई दी। जबकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी के संग परिवार की हर खुशी में दिखती, लेकिन अभी तक हेमा जी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। हेमा जी धर्म जी से नाराज हैं। वो धर्मेंद्र जी की किसी भी फोटो पर कमेंट भी नहीं कर रही हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र जी ने जानबूझकर हेमा के लिए इंस्टा स्टोरी पर उनकी फिल्म का सीन भी लगाया, ताकि हेमा जी कुछ तो बोले, लेकिन हेमा जी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। हेमा जी ने एक कमेंट तक नहीं किया। हेमा जी कई दिनों से बिल्कुल शांत बैठी हैं। धर्मेंद्र ने बीते दिनों में अपनी पोस्ट में जिक्र किया था कि जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। माता पिता के घर को छोड़कर वो गली वो मोहल्ला छोड़कर काम के लिए कहीं और किसी और शहर में बसना पड़ता है। वो दिन अब बहुत याद आते हैं। माँ का प्यार आंचल सुकून बहुत याद आता है और वहाँ से ज्यादा कहीं जन्नत नहीं है। अपना गाँव गली बहुत याद आती है। धर्मेंद्र ने इस बात को कविता के रूप में व्यक्त की थी, जिसे अनुपम ने सबके सामने पेश की। धर्मेंद्र इस कविता को सुनकर हेमा मालिनी भी इमोशनल हो गई। उनसे धर्मेंद्र का दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने कल धर्मेंद्र जी के संग अपनी फिल्म के सीन लगाया, जिसमें गाना था मेरा इश्क तुम ही हो। और हेमा की इंस्टा स्टोरी धर्मेंद्र जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की और अब जाकर धर्मेंद्र जी को सुकून मिल पाया, तसल्ली से सांस ले पा रहे हैं। और ना कई दिनों से वो चुप थे, शांत थे, बोलते कुछ और मुंह से कुछ और निकल रहा था, और इन सब की वजह हेमा के संग जुदाई का था। वाकई हेमा में आज भी धर्मेंद्र जी की जान बसती है। धर्मेंद्र आज भी हेमा के लिए दिल निकाल कर दे सकते हैं। बुढ़ापे में भी वो हेमा के बिना अधूरापन फील कर रहे हैं। इस वक्त धर्मेंद्र कुछ उदास भी हैं, इसलिए वो हेमा के लिए भावुक पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं हुआ जब हेमा के प्यार में धर्मेंद्र पागल थे, उनसे शादी करने के लिए सारी हदें पार कर चुके थे, तब भी वो नशे में धुत होकर हेमा से रिक्वेस्ट कर रहे थे। असल जब धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा की शादी जितेंद्र से होने वाली है, तो वो उसी रात जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ हेमा की शादी होने वाली थी, ताकि हेमा की शादी रुकवा सके, लेकिन तब भी हेमा के पेरेंट्स नहीं माने। धर्मेंद्र उस रात इतने नशे में धुत थे कि धर्मेंद्र की जिद के आगे हेमा के पेरेंट्स को झुकना पड़ा। उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की पर्सनल मुलाकात करवाई, जो कि धर्मेंद्र जिद कर रहे थे। उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि हेमा ने जितेंद्र से शादी करना कैंसिल कर दिया।